हेलो एवरी वन होप यू ऑल आर डो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पी पीटेक में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और साइड बाई साइड कंटेंट हमारा चल ही रहा है तो सबसे पहला क्वेश्चन यू है विच वन इज द नेचुरल पॉलीमर नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिलते हैं तो आप सबको पता है जो नाइलन है पॉलिस्टर है और रियोन है ये मैन मेड होते हैं ठीक है जी तो नेचुरल कौन सा हुआ कॉटन तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है नाउ कम्स प्रपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज हाइए इन कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं सबसे ज्यादा किस सॉइल में होते हैं लोमी सॉइल में सैंडी सॉइल में या क्ले सॉइल में या दोनों ए और बी लोमी और सैंडी तो इसका सीधा सा आंसर है क्लेई सॉल ठीक है जी तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं सबसे ज्यादा नाउ कम्स विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आया है ये आप देख सकते हो हमने रिपीट भी किया था जब हम फाइव फाइव क्वेश्चन रोज करते हैं विध सोर्स बुक हेल्प इन कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ये हमने किया था कौन सी बुक थी वो जिसमें इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताया जाता है वो थी रेड डाटा बुक ये हमने बहुत बार रिपीट किया क्वेश्चन नाउ कम्स द नेक्स्ट एड्स इज कॉज बाय एड्स किससे कॉज होती है ये क्वेश्चन भी हो चुका है वायरस से एड्स कॉज होती है नाउ कम्स मर्करी पल्यूशन कॉजेज जो मर्करी पल्यूशन होता है इसको याद करने का सही सा ढंग है एम की बात ये है ये मर्करी तो इससे डिसीज भी एम से ही होता है जिसको हम कहते हैं मीना माटा डिसीज ठीक है जी मर्करी से कौन मर्करी जो पोल्यूशन होता है कौन सी डिसीज कॉज करता है मीना माटा डिशीज अगला क्वेश्चन आ जाता है विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है तो इसका सीधा सा आंसर है राइजोमियम ठीक है जी नाउ कम्स अप द नेक्स्ट इंसुलिन की बात की गई है इंसुलिन तो नाम से पता लगता है इसका सीधा सा ऑप्शन है पैनक्रियाज ये हमने बहुत बार किया है तो जो इंसुलिन हार्मोन है कौन सा ग्लैंड सिक्रिएट करता है पैनक्रियाज ग्लैंड नाउ कम्स द नेक्स्ट द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन वेस्ट एंड अमोनिया इंटू यूरिया यूरिया की बात हुई है यूरिक एसिड बनता है यूरिक एसिड कहाँ बनता है आपके लीवर्स में बनता है तो इसका सीधा सा ऑप्शन है लिवर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट भी है और ये बेसिक से क्वेश्चन हैं जो आपको वैसे भी पता ही है ठीक है विच और गैनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल पावर हाउस ऑफ सेल्स किसको बोला जाता है ये आप सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स बोला जाता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पैरालॉजी का है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग विल अ टीचर यूज इन द क्लास रूम कौन सी स्ट्रैटेजी है जो टीचर है क्लासरूम में यूज करेगा अगर उसने बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड लेके आना है साइंस वाला एटीट्यूड लेके आना है डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर डिस्कशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग देखो साइंटिफिक एटीट्यूड की बात हुई है तो सीधा सा आंसर आता है इसका तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्योंकि देखो प्रॉब्लम बच्चा खुद सॉल्व करेगा अपना माइंड यूज करेगा उसमें साइंस के कंटेंट आएंगे उसके माइंड में कुछ आइडिया आएगा उससे रिलेटेड ठीक है जी थी? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड सबसे अच्छा मैथड है बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड लेके आने का नाउ कम्स विद एन इक्वेश्चन साहिल इज़ वेरी इंटेलिजेंट जो साहिल नाम का लड़का है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ही फिनिशेज अ क्लास टेस्ट वेरी क्विकली जो भी उसको टेस्ट मिलता है फटाफट ख़त्म कर लेता है पर फिर ख़त्म होने के बाद सारी क्लास को डिस्टर्ब करता है वट विल यू डू एज अ टीचर एक टीचर होने के नाते आप क्या करोगे देखो बच्चे को पनिश तो नहीं करना वो भी नहीं करना कंप्लेंट भी नहीं करनी आप क्या करोगे उसको एक और टास्क दे दोगे चैलेंजिंग टास्क ताकि बच्चा खुद से वो चीज़ करे ठीक है जी अगर वो इतना ही फ्री है तो आप क्या करोगे उसको मतलब एक टास्क दे दोगे जिससे वो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेगा उस टास्क को कंप्लीट करता रहेगा नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस टीचर शुड एम्फोसाइज ऑन अप्रिशिएटिंग साइंस बिकॉज जो एक साइंस टीचर है वो हमेशा साइंस को अप्रिशिएट करेगा क्योंकि इससे क्या होगा स्टूडेंट्स को रियल फील होगी साइंस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इनसाइड व्यू होगा मैथड्स का ऑल ऑफ द वाब बिल्कुल सही है बिकॉज ये तीन चीज़ों हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ठीक है जी नाउ काम्स इनमें से कौन सा एक मैथड है जो लर्नर सेंटर है लर्नर क्या होता है बच्चा बच्चे को सेंटर में रख के कौन सा मैथड यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चे की स्किल्स और एबिलिटीज प्रोग्रेस हो उनकी ठीक है तो लेक्चर तो नहीं दोगेस्टिक हिस्टोरिकल लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन इसका सीधा सा आंसर है ये हमने कल भी रिवीजन में किया था ह्यिस्टिक मैथड ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है डिस्कवर करना कि बच्चा खुद से कोई चीज़ डिस्कवर करेगा लर्निंग बाई डूइंग कहते हैं जिसको ठीक है लर्न वो तभी करेगा जब वो खुद वो चीज़ को करके देखेगा तो ह्यूरिस्टिक मैथड सबसे अच्छा है आई होप टूडेज वीडियो यूजफुल फॉर यू थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ ऑन फॉर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल